मैं आरती पंडित विंग्स क्रू के मंच से आज रामनवमी के शुभ अवसर पर राम के इस अद्भुत चरित्र की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसमें राम जी के बारे में पता चलता है कि राम कितने अच्छे व्यक्तित्व के थे, वो कितने मर्यादित थे, वो किस तरह पुरुषों में उत्तम थे। शायद इसलिए ही उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता था। इसका सबसे अच्छा वर्णन साकेत में मिलता है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया एक प्रसंग है, जिसमें कैकेयी राम को वन में भेज देती है वनवास के लिए। तो राम खुश होकर अपने पिता से कहते हैं कि पिता, आप मुझे केवल महल के ही राजा बनाना चाहते थे, परंतु मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है कि उन्होंने तो मुझे जंगल का ही राजा बना दिया। तो चलिए देखते हैं राम जी क्या कहते हैं। हाँ माँ, तुझको करो नहीं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्या अन्य तुल्य वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। अब तो आ गया कि अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धड़ी धारी। जननी ने मुझको जना, तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न कर डाला। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा ना प्रजा का भार राज सिंहासन। पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे ना अम्ब अधूरा। जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। निष्फल ना गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। देखे हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गई आप यहाँ कहकर। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकेयी ही फिर रामचंद्र से बोली। पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किसी से। हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही। पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर फिर वह कहाँ लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। जाने तो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी इनकी चीर पंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्य से आज ये भ्राता।